Assalamu alaikum students, hope so you will be fine. Here's the lecture 14. In previous lecture you have seen that we have discussed our first four paragraph readings from A Christmas Day. Now today we will complete our reading. It's a paragraph 5. He had a wife and one son born just 6 months ago. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. वो क्या देख रहे हैं कि हम हर्डल्स हैं, रुकावटें हैं, खाकी और ग्रे एवरीवेयर, ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग. क्या उनके दरमियान कोई रुकावटें नहीं हैं? हम क्या कर रहे हैं हर नो मैंस लैंड में? वो स्मोकिंग कर रहे हैं, लाफिंग कर रहे हैं, टॉकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग, ईटिंग. हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड, हैंस वुल्फ और मैंने क्या किया, शेयर्ड किया व्हाट वॉज लेफ्ट ऑन ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. कोनी, हमने जो क्रिसमस केक जो है हम दोनों ने शेयर किया. ही थॉट द मैरिजिपन, मार्जिपन जो होता है वो एलमंड और शुगर का पेस्ट होता है, फॉर्मिंग अ लेयर बिटवीन द आइसिंग एंड द केक ऑन अ ट्रेडिशनल क्रिसमस केक. जो ट्रेडिशनल क्रिसमस केक होता है उसके ऊपर जो लेयर होती है उसे मार्जिपन कहते हैं. वाज द बेस्ट एंड ही हैड एवर टेस्टेड. आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरी थिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. हम दोनों क्या कर रहे थे एक दूसरे की हर चीज़ पर एग्री कर रहे थे जबकि वो मेरा क्या था, और मैं दुश्मन था. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट. कोनी, कि इससे पहले हमने ऐसी क्रिसमस कभी नहीं देखी. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, ग्रेट कोर्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल्ड पॉट्स एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज स्टॉर्मी अगेंस्ट फिट्स ऑन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड. हैंड्स वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, क्लैपिंग आवर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनी थिंग. उन्होंने एक फुटबॉल मैच खेला है. There was a moment when I noticed our breeds mingling in the air between us. उन्होंने नोटिस किया है कि हमारे mingling, मतलब हम जो mingling होता है ब्लेंड हो जाना, हमारे जो breeds से हमारी सांस एक दूसरे क्या हो रही थी, मिल रही थी हवा में. He sighed too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. मेरा ख्याल है कि हम इस तरह से अपनी वार को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच. कि उन्होंने जो एक फुटबॉल मैच खेला है, दोनों टीम्स एक दूसरे के अपोजिट थी, लेकिन उसमें उस फुटबॉल मैच में कोई भी जो है किसी की भी डेथ नहीं हुई. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फेंड, कोई भी बच्चा जो है यतीम नहीं हुआ. नो वाइव्स बिकम विडोज, अब कोई जो बीवी है वो विडो नहीं हुई, बेवा नहीं हुई. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं क्या करूँगा. आई टोल्ड हिम, मैंने उसे बताया कि मैं प्रेफर करूँगा क्रिकेट को. दैन वी टॉमीज कुड बी श्योर विनिंग प्रॉबली, प्रॉबेबली क्या कर सकते हैं हम विन कर सकते हैं. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. सैड टू से कोनी, फिट्स वन टू गोल्स टू वन, बट एज हैंस वुल जेनरसली सेड आर गोल्स वॉज वाइडर दैन देयर, सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर. पैराग्राफ 7, द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड. अब गेम फिनिश्ड हो गया, द केक एंड द टिंड मीट हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. क्या हो गया कि वो खाना और केक वगैरह सारा कुछ खत्म हो गया. अब क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया. विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, के उसने विश किया कि हम दोबारा क्या कर सकेंगे, एक दूसरे देख सकेंगे फैमिली को. दैन द फाइटिंग वुड एंड एंड वी गुड ऑल गो होम, जब फाइटिंग जो सी ये ख़त्म हो जाएगी तो हम क्या कर सकेंगे, हम घर वापस जा सकेंगे. आई थिंक दैट इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट ऑन बोथ साइड्स, मेरा ख्याल है कि हर सोल्जर जो है यही चाहता है. हैंस वुल्फ सेड, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. ही सॉल्टेड एंड ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली. अनविलिंगली आई फेल्ट ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड्स देयर ट्रेंचेज. गेम खत्म होने के बाद वो एक दूसरे को विश करते हुए वापस अपनी ट्रेंचेज में वापस चले गए. दैन नाइट बैक इन आर डगर्स वी हियर दैम सिंगिंग अ कैरल and singing it quietly beautiful. It was still a naked silent night. Our boys gave them a rousing chorus of white shepherd watched. We exchanged carols for a while and then we all fell silent. We had exchanged carol for a while and then we all silent. We had our time of peace and goodwill and a time I will treasure as long as I live. इस सारे पैराग्राफ में हमने देखा है कि वो एक दूसरे को विश करते हुए उन्होंने सोल्जर्स जो से एक दूसरे को उन्होंने विश किया और अपनी अपनी ट्रेंचेस में वापस चले गए हैं. वहाँ जाकर उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने वहाँ पे एक सॉन्ग जो से हैं वो प्ले किए हैं, सॉन्ग जो है उनको सिंग किया. डियर्स कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी. आई नो
फ्राम ऑल दैट हैपन टूडे, हाउ मच बोथ आर्मीज़ लॉन्ग फॉर पीस, के वो हम कैसे जो सी दोनों आर्मीज़ हैं वो पीस चाहती हैं, अमन चाहती हैं, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, योर लविंग जिम। इस पूरे लेटर में हमने देखा है कि वार के लिए वो दोनों जो अपोजिट में थे, अपोजिट साइड्स में थे, लेकिन दोनों क्या चाहते थे, दोनों पीस चाहते थे, क्योंकि ये हमारा यूनिटी वार एंड पीस है। हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि स्टार्ट वाले लेसन में, लेसन के स्टार्ट पे हम वार देखेंगे, एंड द एंड ऑफ द लेसन हम देखेंगे कि वो क्या करना चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं। हियर वी हैव सम रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम रीडिंग फॉर इन्फ्रेंस, हाउ कैन यू टेल फ्रॉम द tell from the words of the German who was wearing a bottle that his English was limited. German has limited English was showing that he was giving warning to people about his activities. Waving a bottle that his English was limited. Why did Jim not stop his man working out into no man's land, walking into no man's land, because this is the strip of land between the enemy front which belong to another side, it is a neutral belonging no man. No man मतलब वो दरमियान में था, इस बार वो किसी से belong नहीं था कर रहा, इसलिए उसने वहाँ पर walk करता हुआ जो है उसने उसे रोका नहीं है कि वो यहाँ पर walk करता हुआ आए. Why did Jim find out about Hans Wolf? Hans told him that he was a musician and played cello in an orchestra. उसने क्या find किया था उसके बारे में. What activities did the British and German soldiers share on that Christmas morning? उन्होंने क्या activities जो सी हैं वो share किए एक दूसरे से. They shared their views about their personal life and enjoyed greeting, playing football, eating and drinking together. What was the significance of breaths of Jim and hands mingling in the air between them? दोनों की जो breath सी वो एक दूसरे mingling करें, किसको signifies कर रहे. It means that they wanted to resolve this war together. They wanted peace which was not possible after war. वो peace चाहते थे जो कि war के बाद क्या नहीं था, possible नहीं था. Why does Hans think that a football match would be a good way of resolving the war? By playing football match they close each other and can establish peaceful environment. क्योंकि उसका ख्याल था कि इसमें कोई भी बच्चा जो है वो ऑर्फन नहीं होगा, कोई जो है किसी की डेथ नहीं होगी, कोई वाइफ जो सी वो विडो नहीं होगी. Why do you think Hans was returning unwillingly to his trench? वो ना चाहते हुए भी अपनी ट्रेंच में क्यों वापस चले गए. I think he want to stay with him because he was enjoying the company of Jim. Now your diary is learn full questions, question number 1 to 10, and write question number 3 to 6 on your notebook. Thank you.